गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना ले। वृंदावन परिक्रमा करते करते अभी जिस स्थान पर आए हैं, ये स्थान का नाम निधुवन है। निधुवन का मतलब क्या होता है? एक तो होता है निधिवन, निधि मतलब होता है ऐश्वर्य व संपत्ति, हैं? जहाँ पर राधा कृष्ण का सर्वोत्तम जो मधुर मधुर जो लीला है। इसलिए जब महाप्रभु ने राय रामानंद को प्रश्न किया, धन का अंदर में सबसे बड़ा धन क्या है, बोले राधा कृष्ण प्रेम जार से ही बड़ा है। जगत में वो सबसे बड़ा धनी है जिसको पास में राधा कृष्ण का प्रेम संपत्ति, जिसको पास में जगत में सबसे बड़ा धनी वही है। इसलिए यहाँ पर, इसलिए निधुवन, जहाँ पर राधा कृष्ण का निभृत निकुंज लीला जहाँ पर हुई है, कभी ये लीला की अद्भुत, इतने अद्भुत है जिसको श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, जब राधा गोविंद ये निधुवन में दिव्य लीला करते हैं, जिस लीला में कहते ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदार बिंदम श्रीमात पराग परमाद्भुत वैभवाया। श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, जिस समय श्री राधा गोविंद यहाँ लीला करते हैं, जिसमें जब विशेष करके जब राधा रानी, देखो
अभी भी देखो ये पेड़ को देखो, अभी जैसे से कुंजे जैसे बना हुआ है, अभी भी देखो जैसे हम लोग बैठे हुए जैसे लग रहा है जैसे कुंजे जैसे, इसलिए अभी भी ये वन को रक्षा कर रहे हैं सबके सब अच्छे तरह से। लगता है जैसे यहाँ आने पर सचमुच से राधा कृष्ण जो निभृत निकुंज में लीला करते थे, जैसे अभी भी यहाँ पर लीला करते हैं। और मंदिर में बता रहे थे ना, अभी भी यहाँ पर ठाकुर जी लीला करते हैं, इसलिए रात को यहाँ पर ठाकुर जी के लिए सुंदर पुष्प की सज्जा लगाते हैं, सुंदर पान की बिड़िया, तातून, लड्डू, लोटे में पानी अभी भी रखते हैं, अभी भी रखते हैं। लेकिन सवेरे आकर के देखो ऐसे लगेगा मानो रात में कोई आकर के यहाँ पर विश्राम करते हुए गए हैं, विश्राम करते हुए गए। अगर कोई सोचे हम जोर जबरदस्ती लीला देखना चाहते हैं, अगर यहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती जाएगा ना, एक तो गुंगा बन जाएगा, नहीं तो शरीर छूट जाएगा, उसकी शरीर छूट जाएगा अभी भी यहाँ पर। इसलिए कुछ कुछ लोगों का विश्वास नहीं होता है ना, अरे किसने राधा गोविंद की लीला किसने देखा है। अगर जिसको विश्वास नहीं होता है, यहाँ पर आओ और एक रात रुक करके देख लो, फिर तो अपने आप में पता चल जाएगा ठाकुर, इसलिए पता चल जाएगा ठाकुर है क्या नहीं ठाकुर। Following the footsteps of Srila Gurupada and Vaishnavas, the place where we have come, it is called Nidhupan. It is said that the heart of Vrindavan is divided into two parts. That is, one side is Nidhupan and another side is Nikunjpan, which is also called as Seva Kunj. In both of these places, Krishna has to accept the subservience of Srimati Radharani. As in Seva Kunj, Krishna serves Radha, also he serves here and he offers his Basuri in the lotus feet of Radha. Srila Pad Maharaj was raising a very important point that generally it so happens that by playing the Basuri he subdues the man of Srimati Radhika. But once what happened was that Radha plucked her ears with her fingers and she avoided to hear the sweet sound of the flute. Now Krishna, he is Satya Sankalpa. He doesn't have to practically or physically take shelter of Yog Maya. He just took one Sankalpa, oh, what should I do now? How can I subdue the man of Radha? And immediately what happened? A snake came. That is called Satya Sankalpa Bhagavan. So the snake came, as soon as Radha was walking towards exiting this kunj, a snake came on the way and Radharani immediately terrified and embraced Krishna and the man was subdued. So this Nidhupan has many meanings. The prominent is Nidhi is our treasure. What is our treasure? Our treasure is not karma, our treasure is not jnana, our treasure is bhakti. Bhakti sampatti is our real treasure by which we will serve Guru, Vaishnav and Hari. Also, Nidhu means very secluded place. Surat Krida, the place where very hidden pastimes take place. As it's been explained in the scriptures that there are Kunj, Nikunj, Nibhrit Nikunj. There are so many types of kunjas, so Nidhupan is actually Nibhrit Nikunj. प्राणों
अभिकारी हूँ, कहीं दिल से भुला दे
से भुला दे।